केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उद्योग उत्सव कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी ने कैलाश चौधरी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ है। सर, बहुत सी सरकार बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, अब क्या विशेष काम होने वाले हैं? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था, बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, प्रतिदिन आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दिया, और जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प पत्र के अंदर जो हमने लिखे हैं उनको आने वाले 5 साल के अंदर हम घोषणाएं जो की है उनको पूरा करेंगे, और राजस्थान को एक सुशासन देने की बात है तो निश्चित रूप से सुशासन देने की बात हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे। और जो डबल इंजन की सरकार है तो अब जो केंद्र सरकार से जो पहले पैसा आता था, चाहे वो जल जीवन मिशन का पैसा हो या मनरेगा का पैसा हो या अन्य अन्य जितनी योजनाओं का पैसा है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए पैसा आता था तो वो रुकता था और उसमें भ्रष्टाचार भी होता था, और पैसा जो जानबूझकर अशोक जी गहलोत ने सरकार ने जिस तरह से कई प्रोजेक्ट रोके तो वो अब आसानी से डबल, वहाँ पे भी केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी है, तो हम बड़ी आसानी से आगे काम भी कर पाएंगे और हम राजस्थान का अच्छा विकास। सर, किसानों को लेकर जो ड्रोन देने की योजनाएं हैं, किसानों को राजस्थान में ड्रोन कब तक मिल जाएंगे, क्योंकि अभी भी कई किसान कह रहे हैं कि ड्रोन नहीं। ऐसा है कि ड्रोन की स्कीम हमने प्रारंभ कर दी है, कोई भी किसान अगर ड्रोन लेना चाहता है या कोई भी युवा साथी अगर ड्रोन खरीदना चाहता है तो उसके लिए हमारी स्कीम चालू है, और उसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान है, जिसके अंदर अगर कोई सामान्य व्यक्ति खरीदता है तो उसमें 40% की सब्सिडी है, SC/ST या महिला कोई खरीदती है तो उसमें 50% की सब्सिडी है, FPO के लिए 75% की सब्सिडी है, और जो महिला अगर कोई समूह की है जो राजीविका की बहनें खरीदती है तो उसके लिए 80% सब्सिडी रखी है। तो इसके लिए हमारी ये ड्रोन दीदी योजना है जिसमें हम बहनों को ट्रेनिंग भी देंगे और 15,000 ड्रोन दीदी के तहत 15,000 ड्रोन भी जल्दी हम देने वाले हैं, और जो भी उसमें अभी भी कोई सबमिट करेगा अगर फाइल तो उसको हम सरकार के पास में कोई पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल, सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है और निश्चित रूप से ड्रोन जो है किसानों के लिए अब अवेलेबल होंगे और किसान जो है ड्रोन के माध्यम से अपने खेती को और बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ जितेंद्र डूडी, सचमेंद्र जोधपुर।